ना मुझे ओम 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 चप्पल वाले भले बाबा की जय। अरे बाबा मैं वही हूँ जो पहले आया था आपके पास। तू है? हाँ बाबा। आशीर्वाद लो बेटा। तू जो दो जिंदों वाला है? हाँ बाबा वही हूँ। आपकी याददाश्त तो बड़ी तेज है बाबा। अरे तंत्रों की शक्ति है बेटा, बैठ जा। बैठा ही हूँ बाबा। बैठ जाओ सुअर, बैठ जाओ। बाबा खोलो, बैठा ही हूँ। तंत्र विद्या देख रहा हूँ। काम लाया? हाँ बाबा रख लिया। क्या हुआ? बस अब प्यार करना। बैठ। बैठा ही तो हूँ बाबा, और क्या बैठूँ? यहाँ बैठ। तो ये बोलो ना। डर जाएंगे अल्टी पाल्टी मार के। वाह बेटा वाह, ये संस्कार दिए हैं घर वालों ने। पीछे जी तो कर रहा है तेरा समाधान ना करूं और दो चार चुड़ैले हाँक दूं तेरे पर। तो बाबा पर तू शराब लाया है, समाधान तो करना पड़ेगा। करेंगे। कर दू मंत्रों से करूं समाधान? हाँ बाबा कर दो। देख ले अगर खेला बिगड़ गया तो मुझसे मत कहियो। ठीक है बाबा, खेला बिगड़ेगा क्यों बाबा, समाधान करने वाले आप हो। अरे मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, रामदेव मेरा चेला रह चुका है, आसाराम जैसे मेरे भक्त रह चुके हैं। आसाराम? अरे वो राम रहीम के भी। तो बारे पे तो मैंने कुछ खबर सुनी है बाबा, आप भी वैसा ही हो गया? अरे तू अंध भक्तों की तरह निकला, तू क्या जानता है राम रहीम के बारे में? एक हिसार में जाके, सिरसा में जाके कितने भक्त हैं उनके, ये पता है? जब पकड़ने आए थे सीबीआई वालों के दम नहीं था, पब्लिक इतनी आ गई थी। वो मेरे चेले हैं, बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ मैं। ठीक है बाबा, आप पहले मेरा काम करो। बेटा संकट तो बहुत भारी है, चिंता मत कर मैं समाधान करूंगा। आंखें बंद कर, हाथ फैला, कंघा चल ले, हाथे जोड़। कौन सा कंघा जी? दोनों हाथे जोड़, ऐसे कर बेटा ऐसे, दोनों जोड़ 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 खोली में। ये गंगा जल है बेटा। ये कैसा गंगा जल? तांत्रिक के मुंह से निकला हुआ जल है ये गंगा जल। तो मैं भी निकाल सकता हूँ, मैं भी निकालू आपके हाथों में। बस ऐसे बहस कर रहा है नालायक। सॉरी बाबा। ये मिलावट कर दे गाय का गोबर सुअर का मूत। अरे तंत्र विद्या बोलते चप्पल वाला बाबा तो भाग जाए भूत। आजा आजा। ओम काली कलकत्ते वाली जय काली मां खप्पर वाली। सर क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया मुझे? क्या नाम है तेरा? सहदेव। सहदेव? क्या कर रहा है इसके साथ? मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों, क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा उसने नहीं, इन नेताओं ने बिगाड़ा है। अच्छा क्या किया तेरे साथ नेताओं ने? नेताओं ने मेरे साथ ऐसा किया है उसे तू भी नहीं सुन पाएगा। इनकी काली करतूतें मैं जानता हूँ बेटा, मैं तांत्रिक हूँ, महाज्ञानी हूँ, मेरी त्रिनेत्री है, मैं देख सकता हूँ, मैं अपारदर्शी हूँ बेटा, दूरदर्शी हूँ। कोई बात नहीं, तू इसका शरीर छोड़ दे, मैं मंत्रों से तुझे भस्म कर दूंगा। ओम। क्या मुझे भस्म करेगा? पहले मैं ही तेरे को भस्म कर दूंगा।
बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। बता सच बता तू कौन है, सच बता बाबा। मेरा नाम सहदेव है। अच्छा हाँ, क्या बात है, क्यों पीछे पड़ा है तू इसके? मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। अच्छा, मेरा बाप ऑटो चलाता है। अच्छा, मेरी माँ पांच पड़ोस के कपड़े सिलती है। अच्छा हाँ, मेरे घर की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि हमारे पास खाने पीने के लिए भी कोई चीज हमसे नहीं है। तो कमा धमा नेता क्या करेंगे इसमें तेरा, उसी के लिए तो ये सब हुआ है। बता क्या हुआ है? मेरा बचपन से शौक था आर्मी में जाने का। अच्छा, मेरा सपना था आर्मी में जाने का। मैंने स्कूल लेवल पे ही एनसीसी पार कर ली थी। उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद मैंने अपना फिजिकल टेस्ट पास किया। एनसीसी पास होने के कारण मेरे को रिटन टेस्ट नहीं देना था। क्या डॉक्टरी टेस्ट वगैरह सब क्लियर था, मैं सब तरह से सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन इन नेताओं ने कुछ भर्ती को रद्द कर दिया। अरे तो नई पॉलिसी ले आए होंगे, कोई नेता है देश का भला सोचेंगे? कोई नई पॉलिसी नहीं आई, कुछ तो आया होगा नया। नहीं आया। अरे बेटा मैं तांत्रिक हूँ, देख मुझे भी पता है भर्तियां कैंसिल हुई थी, और एक दो भर्तियां नहीं 1.5 लाख भर्तियां कैंसिल हुई है बेटा। मैं तांत्रिक हूँ, मुझे पता है। तो इसमें नेताओं का क्या दोष है, वो तो देश का भला सोचते हैं, तू उन्हें कुत्ता समझ रहा है कुत्ता। मैं भला क्या, मैं इतने परिवारों को उजाड़ दिया, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे साथ और भी कई लोग हैं जिन्होंने इस कारण आत्महत्या की। अच्छा हाँ, ये तेरे साथ में कौन है? ये मेरा दोस्त है। क्या नाम है इसका? इसका नाम कालू है। कालू है? हाँ। क्या कहानी है इसकी? इसकी भी मेरी तरह कहानी है, इसका भी परिवार मेरी तरह बहुत गरीब था, इसका भी सपना टूटा है। हाँ। तो नालायक, मैं देख रहा हूँ तेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तू बदला लेना चाह रहा है। तूने आत्महत्या क्यों करी? और क्या करता मैं, क्या करता? अरे सपना ही तो टूटा था, दूसरा देख लेता सपना। जब दिल जले आशिक कोई प्यार में इतना जल जाता है, अपने घर बार को छोड़ देता है, 1 साल के प्यार के लिए अपने रिश्ते नाते सब चीज को भुला देता है। और ये सपना तो मेरा बचपन का था, इसे मैं कैसे भुला सकता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तेरी कहानी तो बहुत दर्द भरी लगती है। तो क्या करेगा तू इसके साथ, छोड़ेगा या मार के जाएगा? मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक, अभी तू चला जा, अभी यह मेरी शरण में आया है, मेरी इससे 2 बोतलों की डील हो चुकी है, मैं दारू बिना पिए बिना नहीं मानता हूँ। मैं दारू का शौकीन हूँ, दारू का। तू चला जा भी, और अपने दोस्त को भी ले जा, तू जानता है कि इसके ऊपर 3 जनों की सवारी है। हाँ मैं जानता हूँ। वो तीसरा कौन है? वो तीसरी एक औरत है। जानता है उसके बारे में? मैं उसके बारे में नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ उसके दुख परेशानी भी हमसे ज्यादा दुखदायक है। अच्छा हाँ, चल ठीक है, चला जा। गिरा दो फोर पे। ओम त्र्यंबकम्। शाबाश। बेटा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाबा क्या हुआ था? बाबा कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब बताते हैं हम तुम्हें। क्या नाम है तेरा? सुशील। बाप का नाम क्या है तेरे बेटा? बाप का नाम भूल गया नालायक। बाबा मुन्ना त्रिपाठी। बल्ला क्षेत्र के जो विधायक है,
बाबा तू विधायक का बेटा है। हाँ कुछ गलत नहीं हो रहा तेरे साथ। रुक जा, अभी उस फिलहाल को बुला ले दे। फिलहाल को बुलाने दे। चल आजा आजा। आजा बोला मुझे। अरे नाम बोल अपना, नाम बोल। श्वेता। अरे छोड़ दे इसका शरीर, तुझे भस्म कर दूंगा मैं। निलच्छ कुलच्छ पापनी। अरे तू नहीं छोड़ेगी। छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ूंगी। अरे तड़पेगी तू, छोड़ दे इसे। कितना तड़पाओ, मैं चाहे मर जाऊं पर मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक से बदला लेगी तू, तांत्रिक से टक्कर लेगी। अरे क्या नाम है तेरा? नाम श्वेता है। श्वेता लाइक कर्म भी कर ले, किसी भले मानुष को क्यों परेशान कर रही है? भला मानस? आज के जमाने में कोई भला मानस नहीं है। चल तो बता, तेरी राम कहानी सुने। बता तेरी राम कहानी सुनना चाहता है। सुना। सुन, एक गरीब परिवार से हूँ। अरे गरीब परिवार से सभी होते हैं, मैं भी तांत्रिक बना हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अब गरीब गरीब परिवार से नहीं होते, मैं जिसके शरीर में हूँ ये गरीब परिवार से नहीं है। अरे मुझे भी पता है, विधायक त्रिपाठी का बेटा है। बोल आगे। मेरा भाई बॉर्डर पे आर्मी आर्मी में है, बॉर्डर पे जॉब करता है, फिर भी ऐसे कर्म कर रही है तू। नीलच लच पापिनी। आगे की कहानी तो सुन। सुना। मेरे बाप की तबीयत खराब हो गई, इसके कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अच्छा। हाँ, और कोरोना काल में उसे हल्की सी खांसी के दौरान कोरोना बीमारी का नाम दे दिया गया। हाँ हाँ मुझे पता है, उस समय सरकार ने बहुत घपले किए हैं। अरे मैं तांत्रिक हूँ, तांत्रिक मैं देखता हूँ, सब पे नजर रखता हूँ, सब पे देख रहा हूँ क्या हो रहा है देश विदेश में। आगे बोल, आगे बोल, बोल आगे। मेरे बाप का चेकअप कराने गए। हाँ। उसमें मेरे बाप को कोरोना घोषित कर दिया। अच्छा। मैंने अगले दिन जाके देखा, मेरा बाप खत्म हो गया। उसे पोस्टमार्टम करने के लिए ले गया गया। उसके बाद हमें उनकी लाश दे दी गई। अच्छा। हाँ मैंने इसकी खबर अपने भाई को दी। अच्छा। उस समय बॉर्डर पर युद्ध चल रहा था। अच्छा। हाँ तो मेरा भाई युद्ध छोड़ के ना आ सका। अच्छा। छुट्टी नहीं मिली। अरे क्यों नहीं दी छुट्टी, क्यों नहीं दी? समय युद्ध चल रहा था और उसी युद्ध में मेरा भाई शहीद हो गया। अरे ये तो बड़ी दुख की खबर है, बड़ी दुख की खबर है। इधर तेरा बाप शहीद हो गया, उधर तेरा भाई। अरे कौन कौन है तेरे घर में, कौन कौन है? मेरे घर में इनके अलावा एक मेरी माँ भी थी। थी या है? थी। क्या हुआ, तेरी माँ को भी कोरोना हो गया? दोनों के जाने के बाद हाँ मेरे माँ भी इनके गम में चल बसी। अच्छा। दिल की कमजोर थी तेरी माँ। अरे कमजोर थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरे पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। मैंने जैसे तैसे उनकी चीजों को बेचकर
पैसे जमा किए। अच्छा, और अंतिम संस्कार किया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरा दुनिया में कोई नहीं था। अच्छा हाँ, मैं पड़ोसियों से मदद मांगने गई। फिर क्या हुआ? घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा, पड़ोसियों ने भी मदद करने के लिए मना कर दिया। आज का दौर ही यही है। अरे तो तू कमजोर क्यों पड़ गई? तू भूल गई तू सीता है, दुर्गा है, काली है? तू कमजोर क्यों पड़ गई? फिर क्या हुआ? मैं पड़ोसियों से मदद मांगने गई। अरे पड़ोसी मदद नहीं करते, पुलिस वालों के यहाँ क्यों नहीं गई? पड़ोसियों ने मना किया तो मैं उनके पास भी गई। मैंने उन्हें बताया, पड़ोसियों ने मुझे क्या? पड़ोसियों ने तुझे? पड़ोसियों ने मुझे बहुत गलत गलत शब्द बोले और मैं पुलिस वालों के पास गई। उन्होंने भी मेरी मजबूरी ना सुनते हुए मेरी खूबसूरती का जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, बस समझ गया मैं, तेरे साथ दुर्व्यवहार किया उन पुलिस वालों ने। अरे मैं जानता हूँ इन पुलिस वालों को भी, ये कानून के भक्त होकर साले नेताओं की गुलामी करते हैं। अरे ईमानदारी का ढोंग करते हैं सारे, फिर तू नेताओं के पास क्यों नहीं गई? तेरे क्षेत्र का विधायक है नेता, तो इनसे भी दो कदम आगे निकले, वो भी दुर्व्यवहार कर बैठा तेरे साथ। क्या हुआ फिर तेरे साथ? उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार करके मेरी लाश को जिंदा दफना दिया। इसीलिए तू भटक रही है अभी तक। अरे तो उस नेता ने तुझे जिंदा दफनाया है, अरे तो उस विधायक के बेटे ने क्या किया तेरे साथ? इसका पीछा छोड़ दे। नेता का बेटा है? अरे तो इसका बाप अभी ताजा नेता बना है नया नया। अरे वो सब तो बासी नेता है, नंको पकड़ उनको। आगे पुराना तो होगा। मतलब तू कहना चाहती है कि कुत्ते की जात कुत्ता ही रहेगा? अरे ये नेता शरीफ है, ईमानदार है, पल्ला क्षेत्र का विकास कर रहा है, छोड़ दे इसे। ये भी शरीफ नहीं है, इसके भी मैंने एक तो बहुत बुरे बुरे कांड देखे हैं। तू ठान बैठी है कि बदला लेगी, इन किसी नेताओं को नहीं छोड़ेगी। तू अच्छा काम कर रही है, मैं तांत्रिक बनने की वजह भी यही है। अरे तांत्रिक का धर्म नहीं होता तो इस नेता के बेटे को अभी भस्म कर देता। सुने काम कर, मैं तेरा साथ दूंगा, खत्म कर दे इन नेताओं को। बस अभी इसका साथ छोड़ दे, अभी चली जा कहीं और। मैंने इससे दो बोतल शराब ले ली है, जब ये मेरे पास से चला जाए तो फिर आ जाइयो। बोल चप्पल वाले बाबा की, बोल बोल जय ओम ओम ओम। चली जा बेटा, चली जा, गिर जा। क्या हुआ बाबा? दूर हजा पापी, दूर हम मेरी नजरों से। क्या हुआ बाबा? पूछता है क्या हुआ नालायक दुराचारी निर्लज्ज? क्या हुआ बाबा? मैंने सही है, तू बीबी का गुलाम है। अरे तूने कुछ नहीं किया, तेरे बाप ने सब कुछ किया है। बाप का किया बेटा भुगतेगा ही भुगतेगा। बेटा तुझे भुगतना है तेरे बाप ने, तू कर्म किए हैं। मैं जानता हूँ की बहुत अच्छी कहानी है, नेताओं ने गलत किया है,
उसका बदला ये तेरे से ले रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैंने इन्हें भगा दिया है। ऐसे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं। पर एक बात है बेटा, नेता सारे कुत्ते होते हैं। होते हैं ना बाबा, एक आध ही ईमानदार निकलता है। सही बात है, जब तू ठीक रहेगा अपने बाप का साथ छोड़ दे या अपने बाप को सही रास्ते पे ले आ। बाबा ये राजनीति करना मैंने अपने बाप से सीखा है, मेरी परेशानी को मेरे बाप पे डाल दो, मैं क्या उसका परेशानी था। बा बेटा बा, ये करी तूने कोई अच्छे व्यक्ति वाली बात, जो सरे सो भरे, जो करे सो भरे। चल मैं इन तीनों को तेरे बाप पर डाल देता हूँ। हाँ बाबा, बाप पे भेज दो। ठीक है, जगह पड़ी है। तू बहुत अच्छा है, ऐसे ही तेरे जैसे भले मानुष हो जाए तो इस देश का उद्धार हो जाए। चरण छू। प्रस्थान करो, प्रस्थान करो। बलवा ले बड़े बाबा की जय। इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि मैं सभी नेताओं को गाली दे रहा हूँ, मैं केवल उन नेताओं को गाली दे रहा हूँ जो जनता का हित नहीं करते, जो अपना ही पेट भरना जानते हैं। मेरी इस वीडियो को सिर्फ एक हंसी मजाक के तौर पर ना ले, ये देश की स्थिति है। आज भले ही हम कानूनी तरीके से चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आज भी देश में बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। जाओ जाओ